हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री हो। कल जो हम पी जो कल हमारा टॉपिक था वो स्लाइडिंग विंडो का था, और इसका मैंने हमारे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं दोबारा से वही सेशन ले रही हूँ। बट आगे हम करेंगे, जो हमारा कल रह गया था उससे हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से क्विक रिविज़न ले लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो होता क्या है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो OSI मॉडल है उस पर जो सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे ये काम करती है। डेटा लिंक लेयर के टू फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, और टू फंक्शंस आपको बताए थे कौन से, DLC और MAC, राइट। और ये जो डेटा लिंक लेयर है ये किस पे काम करता है, फ्रेम पे काम करता है। लाइक आपने कोई बिट ली है, उस बिट के आगे जब आपने हैडर और टेलर लगा दिया तो ये एक फ्रेम बन गया, ठीक है। फ्रेमिंग आपकी टू टाइप्स की थी, फिक्स साइज्ड एंड सेकंड आपकी थी वेरिएबल साइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो बहुत ज़रूरी है। DLL की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको बताई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी थी, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम क्या था, सेंडर सेंड कर सकता है मैसेज को बिफोर वेटिंग व्हाट एक्नॉलेजमेंट। और एरर कंट्रोल का क्या काम होता है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेना, ठीक है। एरर कंट्रोल का क्या काम होता है, कोई भी मैसेज या कोई भी फ्रेम या कोई भी पैकेट जब सेंडर सेंड करता है तो एरर कंट्रोल पहले ये देखता है कि उस फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होता है तो उसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, देन करेक्ट किया जाता है, एंड देन रीसेंड किया जाता है। क्लियर, आगे चलें। आगे हम बात कर रहे थे प्रोटोकॉल्स की। उसके बाद जो टॉपिक है डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स टू टाइप्स के हैं। तो जो स्लाइडिंग विंडो वर्क करता है वो नॉइजी चैनल पर वर्क करता है। किस पे करता है, नॉइजी चैनल पे। टू टाइप के प्रोटोकॉल्स थे, नॉइजी चैनल एंड नॉइस लेस चैनल। क्लियर, तो नॉइस लेस चैनल मैंने कल समझा ही दिया था, टू टाइप के थे, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम ARQ पे वर्क करते हैं। ARQ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीटेड क्यू से यहाँ पे रिक्वेस्ट को लिया गया है। क्लियर, तो ये जो काम करते हैं कैसे करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे थ्री प्रोटोकॉल, वो ARQ बेस्ड हैं। स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन, या अगर एन हुआ, एन मतलब एन यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस नंबर ऑफ व्हाट बिट। अगर यहाँ पे n गिवन है तो आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जो भी बिट आपको वहाँ पे गिवन है। और अगर यहाँ पे 8 गिवन है, सपोज दैट 1 गिवन है, सपोज दैट 2 गिवन है, तो यहाँ पे आप बिट की वैल्यू यही लोगे जो फिक्स आपको यहाँ पे दे रखी है। n मतलब वेरिएबल हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट की, सिलेक्टिव रिपीटेड ARQ। यहाँ पे भी ARQ लगेगा, ठीक है ना। तो ARQ है, सीक्वेंस नंबर क्या है, देखिए यदि कोई बिट है उसकी वैल्यू 4 है, तो मैंने आपको एक टेबल भी बताया था, है ना। तो जैसे 2m सेंडर की विंडो साइज़ है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये जब सेंडर की विंडो साइज़ ये है, तो आप यहाँ पर n, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2^16 -1 15 आप यहाँ पे क्या भेज सकते हो, 0 से लेके 15 तक फ्रेम को आप सेंड कर सकते हो। विंडो की साइज़ कैसे, लाइक दैट। फ्रेम आपका बिट इक्वल टू 3 है ना,
फोर है, तो यहाँ पे 1 2 3 सीक्वेंस नंबर 1 2 3, तो आप ये फ्रेम एज एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये एक विंडो साइज़ बन गया। क्या बन गया? विंडो साइज़। ठीक है, अब मान लो सेंडर ये आपका, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो इतना बनेगा। ये था सेंडर का साइड और ये थी रिसीवर की। अब ये सेंड हो रहा है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर की है 1 बिट गेट करने की कैपेसिटी है, तो ये केवल किसको गेट करेगा? केवल 0। नेक्स्ट सेंड होएगी, तो नेक्स्ट कैसे सेंड होएगी? 0 1 2 3 0 1 2 3, तो 4 है, तो दिस इज दैट। ठीक है, ये 4 आगे सेंड हो जाएगी, तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा? 0 इसके पास आ चुकी थी, अब ये 1 को लेगा। क्लियर, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है? और अगर रिसीवर की साइज़ भी, रिसीवर को विंडो गेट करने की, ये तो था फ्रेम साइज़ है ना, मैक्सिमम विंडो साइज़, अगर रिसीवर की भी विंडो साइज़ इतनी है तो वो कितनी गेट कर सकता है? यहाँ पर इसने जितनी 3 या 4 जो भी सेंड करी है ये कंप्लीट ले सकता है, ये बता देगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ये सेंड कर देगा सेंड 2, ये कर देगा एक्नॉलेजमेंट 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर काम होते हैं। तो जो स्लाइडिंग विंडो वर्क करता है वो किस पे करता है? मेनली 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ। इसको ब्रीफ मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि सेंडर, क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे हमारे पीसी ने स्टक हो गया था, विंडो क्लोज हो गई थी कल ना, पीसी में प्रॉब्लम भी आ रही थी मेरी, लाइक दैट सेंडर सेंड कर सकता है 10 पैकेट। ठीक है, अभी वो ये कह रहा है कि एवरी 4th पैकेट क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है। तो आप ये बताना है कि हाउ मैनी पैकेट सेंडर ने सेंड किए। ठीक है, कितने पैकेट, तो कैसे करेंगे? देखिए, सेंडर ने पैकेट सेंड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पैकेट थे सेंडर सेंड कर रहा है। ठीक है, अभी एवरी फोर्थ पैकेट, मैं कलर चेंज करती हूँ, एवरी फोर्थ पैकेट हैज़ लॉस्ट, ये पैकेट आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सेंडर इसको रिपीट सेंड करेगा, ठीक है, इसको सेंड करेगा, देन नेक्स्ट फोर्थ ले लेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ लिया, नाउ आई चेंज द कलर अगेन, अब कौन सा फोर्थ पैकेट लॉस होएगा? नेक्स्ट वापस से सेंड करेगा, तो कौन सा पैकेट लॉस्ट होएगा? फोर्थ। तो कौन से पैकेट लॉस्ट हुए? मैंने आपको आंसर तो कल बता ही दिया था। तो टोटल कितने पैकेट सेंड किए? 10 तो थे ही, तो 10 पैकेट तो सेंड करने ही थे, साथ में एक फोर्थ वाला भी किया, तो यहाँ पे 10 + 1 प्लस एक सेवन्थ किया था +1 प्लस में एक टेंथ वाला अगेन सेंड किया था +1, तो टोटल कितने पैकेट सेंड किए सेंडर ने? कितने? 13। क्लियर, समझ में आ गया? आगे चले। हाँ जी, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है, ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया है ये क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल किसका? विंडो स्लाइडिंग का। ठीक है, जब हम ये 2 प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं? दिस वन, ये नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो विंडो साइज़ की मैंने आपको टेबल बताई थी, उसका जो विंडो साइज़ होता है वो सेंडर का जो विंडो साइज़ होता है, सेंडर का जो विंडो साइज़ होता है वो 0 से लेके 2 की पावर m-1 होता है, ऐसे ही सेम रिसीवर इक्वल टू 1 इन द
go back an ARQ and the receiver has the window size is equal to what? 2 max in selective repeated ARQ. Okay, इतना समझ में आ गया. आगे चले. आगे मैं आपको ना जो कराना चाहती हूँ वो एक बार ही ना, हाँ जी यहाँ पे मैं आपको कराती हूँ, वो मैं आपको एक बार ही एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ. गो बैक एन ए आर क्यू एंड सिलेक्टिव रिपीटेड ए आर क्यू. गॉट द पॉइंट? तो इसके डिफरेंस है ना आप नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है. मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखिए ये जो गो बैक एन है ना, इसका मेन डिफरेंस होता है यदि कोई पैकेट लॉस्ट हो गया. मान लो सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर को मिल गया, सेंडर सेंड कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू सेंड कर रहा है विदाउट वेटिंग एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर को मिल गया, बट यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, और रिसीवर सेंड कर रहा, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर को अगर एक पैकेट नहीं मिला तो आगे भी कोई पैकेट नहीं मिलेगा, है ना. तो वो क्या करेगा, वापस से इस नंबर पे आएगा जहाँ से उसे पैकेट नहीं मिला, एंड देन वो क्या करेगा, सारे ही के सारे आउटस्टैंडिंग जितने भी पैकेट्स हैं ऑल द फ्रेम आर रीसेंड. तो क्या हुआ, अगर रीसेंड हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भी आपका फ्रेम करप्ट हुआ है, लॉस्ट हुआ है, ठीक है, तो ऑल द सब सीक्वेंट फ्रेम क्या होंगे, अगेन सेंड होंगे. क्लियर? इतना समझ आ गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका बैंडविड्थ वेस्ट हुआ. क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, है ना. और क्या हुआ, क्या हुआ, हाई एरर रेट आ गया. भाई एक फ्रेम की वजह से सारे ही फ्रेम नहीं हुए तो हाई एरर रेट आ गया, है ना, हाई एरर रेट आ गया. और क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्रेम सॉर्ट नहीं हो रहे. वैसे तो सीक्वेंस में चलेंगे ताकि फ्रेम पकड़ में आए, बट यहाँ पे सॉर्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अब बाद में क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, वो अगेन सेंड होते हैं. सॉर्टिंग नहीं होती है यहाँ पे, सर्चिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. किसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, सर्चिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, सॉर्ट नहीं हो रहा है, सर्च की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सीक्वेंसली सब चल रहा होता है, ठीक है. और यहाँ पे इसका यूज़ इसके बाद भी, क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, सो इसका यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है. क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है. अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव एआरक्यू की. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेंडर सेंड कर रहा है और एक फ्रेम आपका लॉस हुआ तो आपका यही फ्रेम रीसेंड होगा ओनली, बाकी तो पहुंच जाएंगे, पीछे वाले भी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो कौन सा रीसेंड होएगा, एक पर्टिकुलर फ्रेम सेंड होएगा केवल जो कि या तो करप्ट हुआ है या लॉस्ट हुआ है, ठीक है, केवल यही वाला ओनली. तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई एरर रेट कम हो गए और बैंडविड्थ भी वेस्टेज नहीं हुई यहाँ पे. तो यहाँ पे लो बैंडविड्थ यूज़ होएगी, है ना, लो बैंडविड्थ मतलब लॉस ऑफ द लो बैंडविड्थ, ठीक है, लॉस ऑफ लो बैंडविड्थ, ठीक है. एंड देन क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग की और सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जा रहा है तो सीक्वेंस नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, हो सकता है. तो यहाँ पे सर्चिंग और सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसका यूज़ भी कम होता है. द मेन डिफरेंस इज दैट यहाँ पे सर्चिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है और सॉर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है. सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम को सही ऑर्डर में लगाने के लिए, करेक्ट ऑर्डर. क्लियर द पॉइंट? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा.
आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, जहाँ तक है मैंने आपको ब्रीफली समझा ही दिया है। ठीक है, मेन यही होता है कि एक पर्टिकुलर आपका जो भी है सीक्वेंस भी मैंने आपको समझा दिया। इसके है ना कुछ क्वेश्चंस भी रह रहे हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ। देखिए, मैंने आपको स्लाइडिंग विंडो में ब्रीफ भी आपको समझाया, डिटेल भी आपको समझा दिया। दो वीडियो हैं, इन दोनों को आप देख लेंगे, स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट कवर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQ PYQ दोनों हैं और इनको करने से आपका बेस क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो जो सिलेक्टिव रिपीटेड ARQ है, तो स्लाइडिंग विंडो किसकी बात करती है, ओनली टू प्रोटोकॉल्स की बात करती है ना। तो सिलेक्टिव रिपीटेड में तो यहाँ पे बिट कितनी है, 5 इन द नंबर ऑफ द बिट ऑफ द सीक्वेंस नंबर। ठीक है, 5 बिट है तो सीक्वेंस नंबर तो 1 से लेकर कितना चलेगा, 4 तक चलेगा, 5 बिट है ना। तो आप यहाँ पर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द सेंडर विंडो मस्ट बी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ये होता है, लेकिन जब आप सिलेक्टिव विंडो की बात करते हो ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट होता है वो ये वाला नहीं होता। कौन सा पुट होता है, ये वाला होता है, तो 2^5/2 32/3 = 16। ये तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जब मैक्सिमम साइज ऑफ द सैंड विंडो पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, दिस वन। ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, जो मैंने आपको टेबल बनाई है उसमें यही है, बिट ऑफ द सीक्वेंस नंबर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द सैंड विंडो मस्ट बी। जब सेंडर सेंड करेगा तो मैक्सिमम साइज क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो 31 आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो 31 आ जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब आप सिलेक्टिव रिपीटेड की बात कर रहे हो तो 16 आंसर आएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए, विंडो की साइज़ आपकी 63 है, तो विंडो की साइज़ कैसे होगी, 1, 2, जैसे विंडो की साइज़ 4 मैंने आपको बताई थी, तो आपने कितने बिट सेंड किए थे, लाइक दैट। फिर आपने क्या किया था, तो नेक्स्ट आपकी ये वाली विंडो बनी थी, फिर इससे नेक्स्ट यहाँ की बनेगी, है ना। तो इस तरीके से 4-4 का, तो यहाँ पर भी जो विंडो की साइज़ है वो आपकी 0 से 63 होगी, गो बैक एंड। ठीक है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो हाई लेवल डेटा लिंक लेयर द फ्रेम दैट इज़ यूज्ड ओनली ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, देखिए ये जो फ्रेम जब हम सेंड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, नहीं, ये ट्रांसमिशन तो स्लाइडिंग विंडो के लिए, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। प्रोटोकॉल तो TCP ही यूज़ होगा, प्रोटोकॉल तो TCP यूज़ होगा, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे TCP ही यूज़ होगा। तो जो फ्रेम है यहाँ पे पूछा गया है, द फ्रेम इज़ यूज्ड, कौन सा फ्रेम यूज़ करेंगे, आई फ्रेम, एस फ्रेम, वी फ्रेम, कौन सा फ्रेम यूज़ करते हैं, हम एस फ्रेम यूज़ करते हैं, SF, S और SL। ठीक है, ये तो जो करंट पर पोजीशन होगी, करंट पोजीशन के लिए, ये फर्स्ट फ्रेम के लिए और ये लास्ट फ्रेम के लिए, तो एस फ्रेम यूज़ होता है। क्लियर, HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉप एंड वेट ARQ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड, इन विच द साइज ऑफ द सैंड विंडो इज़ 1। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा है स्टॉप एंड वेट ARQ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड ARQ इन द साइज ऑफ दैट, द क्या साइज होगा, 2 होगा, 1 होगा, या ये होगा, मेरे को तो एक क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम इस टेबल को यूज़ करेंगे, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड,
ठीक है, तो जो विंडो साइज़ पूछा है, साइज़ ऑफ द विंडो, तो हमें पता है सेंडर और रिसीवर की विंडो साइज़ क्या होती है, ये इन विच द साइज़ ऑफ द सेंड विंडो इज़ वन, जब हम वन की बात करते हैं, विंडो का साइज़ ही यहाँ पे वन गिवन है, तो आप वन ही यूज़ करोगे ना, और क्या यूज़ करोगे। स्टॉप एंड वेयर आर क्यू इज़ अ स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड, मेरे को तो ये स्पेशल केस ऑफ द स्टॉप, अच्छा स्पेशल केस यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है ठीक है, तो वन ही आंसर आ जाएगा इसका, वन ही पूछेंगे और क्या कहेंगे। चलिए आगे करते हैं, द गो बैक एंड प्रोटोकॉल, द साइज ऑफ द सीक्वेंस नंबर फील्ड इज द 8, सीक्वेंस नंबर फील्ड इज द 8, द सीक्वेंस नंबर आर क्या होगा, 8 है तो मॉड्यूलर, नहीं सॉरी 8 है ना, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, 2 की पावर 8 आ जाएगी, 256, ठीक है, मॉड्यूलर पूछ रहे हैं तो, ठीक है। एंड द स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू द एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज अनाउंस इन अर्थमेटिक द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, स्टॉप एंड वेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज अनाउंस इन, देखो जब स्टॉप एंड वेट की बात करते हैं तो वो अर्थमेटिक होता है, या तो 0 आएगा या 1, सॉरी बाइनरी होता है, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो जब सेंडर सेंड करता है तो वो फ्रेम नंबर 0 कर देता है, तो एक्नॉलेजमेंट जब आती है वापस तो वो 1 करके आती है, 1 का मतलब है वो सिग्नल दे रही है, तो S1 हो जाएगा, यहाँ S0 है, तो ये अगेन फ्रेम को सेंड करेगा नेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉडुलो 2 लेंगे, मॉडुलो 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम, तो 0 1 2 हो गया है ना। चलिए आगे करते हैं, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस इज द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल विच इज़, ठीक है, देखिए PP की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस, तो PPT नहीं, PPP, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस इन द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बिट ओरिएंटेशन करेक्टर्स, बाइट ओरिएंटेशन होना चाहिए इसका आंसर, हाँ जी। मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल, जब मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस, तो इसमें आप प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हो वो बाइट ओरिएंटेशन होता है, ये याद करने वाले कुछ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब बात करोगे तो बिट ओरिएंटेशन की बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस किस में हो रहा है, ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक, तो आप बिट ओरिएंटेशन के बारे में बात करोगे, क्लियर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसके और भी क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। डेटा लिंक लेयर भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखा है, आगे हम इस डेटा लिंक लेयर पे भी बात करेंगे, जल्दी ही मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी, टाइम अपने पास बहुत कम है, सो स्टार्ट करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। Thank you. Thanks for watching. Bye-bye.